राजस्थान वक्फ बोर्ड चुनाव में भीलवाड़ा के शब्बीर अहमद शेख और सरवाड़ के मोहम्मद यूसुफ ने जीत हासिल की। सुबह 11 बजे से ही महारानी गर्ल्स स्कूल बनी पार्क में वोटिंग शुरू हुई। प्रदेश भर से मुतवल्लियों ने वोटिंग की। 177 वोटर्स में से एक का इंतकाल होने की वजह से 176 वोटर्स ही वोटिंग करने के लिए आने थे, मगर 3 बजे तक 169 वोटर ही वोट डाल सके। वक्फ बोर्ड के चुनाव में पहली बार इतिहास में मुतवल्लियों की बाड़ाबंदी की गई। सभी को लग्जरी होटल्स व रिसोर्ट्स में 2-3 दिन तक रखा गया। पहला वोट दोसा के सलीम अहमद ने डाला। महारानी स्कूल कैंपस में ज़बरदस्त गहमा गहमी थी। बाहर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। इस बार वोटिंग में पहले ऑडियो भी वायरल हुए हैं। वोटिंग करने के लिए एम्बुलेंस में भी कुछ लोग आए, व्हीलचेयर के जरिए अंदर जाकर पोलिंग की। 4:15 बजे जयपुर ज़िला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने रिजल्ट अनाउंस किया और भीलवाड़ा के शब्बीर अहमद शेख को 64 वोट मिले। दूसरे स्थान पर सरवाड़ के मोहम्मद यूसुफ को 55 वोट मिले और जीत का सेहरा दोनों के सर बंधा। शौकत कुरैशी को सिर्फ 29 वोट पर ही सबर करना पड़ा। उस्मान कुरैशी जयपुर से 6 वोट, फसीउद्दीन जयपुर से 3 वोट और मोहम्मद सिद्दीक जोधपुर से 1 वोट पाकर उन्हें सब्र करना पड़ा। चुनाव किया जाना था, पहले 3 जो चुनाव जैसे MLA कोटे से आदर में जो रफीक जी MP, चूँकि प्रेजेंट में MP कोटे में कोई था नहीं, तो उसके बाद भूतपूर्व MP जित रहे होते हैं। इस कोटे से असकली जी का एक ही नामांकन आया था और बार काउंसिल की तरफ से पदाधिकारी के रूप में, क्योंकि एक ही बार काउंसिल थे, तो इसलिए वो पहले फेज में निर्विरोध निर्वाचित हो गए। 2 मुतवल्लियों के चुनाव में आज जो पहले ही राउंड में, यहाँ पर क्या है कि अपने जैसे ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम का काउंटिंग का सिस्टम होता है जिसमें कि आदमी अपनी प्रेफरेंस एक से लेकर देता है, परंतु फॉर्चुनेटली सौभाग्य से पहले राउंड में ही एक को 64 वोट आ गए, दूसरे को 55 वोट आ गए। तो ऐसे परिस्थिति में दोनों ही पहले ही राउंड में चुनाव जीत गए और वो दोनों को विजेता घोषित किया गया। एक मिस्टर शेख है, एक मोहम्मद यूसुफ है। अब्दुल शेख शब्बीर शेख है जिनको 64 नंबर है, मोहम्मद यूसुफ को 55 वोट है। तो इसकी क्राइटेरिया ये है कि जैसे टोटल 158 वोट वैलिड वोट थे, 11 वोट रिजेक्ट हो गए थे। 158 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15,800 वोट की वैल्यू होगी, वोट की वैल्यू। उसमें चूँकि 2 नियुक्त करने थे, 2 चुनने थे, तो उसमें प्लस 1 करके 3 से डिवाइड करते हैं तो 5,266 नंबर है, प्लस 1 जोड़ने पर 5,267 वैल्यू के वोट जो पहले राउंड में आ जाता वो विजेता घोषित हो जाता है। तो इसमें चूँकि 64 वोट आए थे, 100 से करते 6,400 थे तो विजेता हो गया, 5,267 से अधिक थे। दूसरे के 55 आए थे तो 5,500 वोट हो गए जो 5,267 से अधिक थे, इसलिए वो विजेता घोषित हो गए। ये दोनों कैंडिडेट्स हैं वो विजय घोषित किए गए हैं, उनको मैंने उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत जो माफियाँ हैं उनकी समाप्ति हो और इस प्रॉपर्टी से आम आदमी को फायदा पहुंचे और सामने विकास हो, सामने, सामने, सारी की सारी जो प्रॉपर्टी है सामने नीट एंड क्लीन हो, नीट एंड क्लीन होने के बाद में उसका डेवलपमेंट हो और इससे सारे आदमियों को फायदा पहुंचे। और सबसे अहम प्राथमिकता ये रहेगी कि वक्फ माफियाओं का नाश करने के लिए। सब पहली मरतबा आप चुनाव लड़ रहे हैं, पहली मरतबा आप विजयी घोषित हुए हैं, पहले नंबर पर हैं जी, तो क्या किस तरीके से आपका ये पूरा जीत का श्रेय किसको देते हैं आप? जीत इसका श्रेय मेरी टीम को और जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है। मैं भीलवाड़ा के अंदर 1.5 करोड़ का एक अस्पताल बना रहे दाई हलीमा मैटरनिटी एंड जनरल हॉस्पिटल, 5.5 करोड़ का, वो सारे जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं भीलवाड़ा के आवाम जो मेरे साथ है, वहाँ जो छोटा मोटा काम किया है उसकी बिना पर मैं पूरे राजस्थान में घूमा हूँ। सब लोगों की ख्वाहिश थी कि चेंज हो, जो 10 साल से 20 साल से लोग जमे हुए हैं उनका खात्मा हो, अच्छे आदमी आए, उसका आधा काम आज हो चुका है और हम कोशिश करेंगे कि अगले चुनाव में पूरा का पूरा नीट एंड क्लीन ही राजस्थान बोर्ड ऑफ पश्चिम पक्ष। क्या प्राथमिकता रहने वाली है? हमेशा हमने इस बात का ध्यान रखा है, कुछ जो जिम्मेदारियाँ हमको दी गई हैं हम उसको पूरी ईमानदारी से उसकी पालना करें। और जहाँ तक वक्फ संपत्तियों के रख रखाव का, उन तक अतिक्रमणों का, किराए में वृद्धियों का, एक टीम वर्क बल मिल करके उसको अंजाम तक पहुँचाए और
वॉक बोर्ड की जो हालत है तो बिना सरकार को हम तो जाकर के देते नहीं, हमको तो खुद को कुआ खोदना पड़ता है, खुद ही अपना पानी देते हैं। अब उसके अंदर हमको एक अच्छी टीम हमारी हो जाए और वक्फ बोर्ड के लिए बैठ कर के अच्छे निर्णय ले, तो मुझे ये उम्मीद है इस बात की कि हम इसका कुछ बना सकते। यूसुफ साहब, आपको लोगों ने काफ़ी बदनाम करने की कोशिश की, क्या कहना चाहेंगे और क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो अपना शुभ संदेश दूंगा उन लोगों को जिन लोगों ने ऐसे हालात पैदा किए और जिस माहौल से इलेक्शन गुजरा है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि ये देखिए मजहबी इदारा है और इसमें इस किस्म की नहीं थी। जहाँ तक मामलात हैं, इल्ज़ाम हैं, कलेक्टर हमारे एक्ट में लिखा है, हमारे रूल्स में लिखा हुआ है, कलेक्टर साहब बाकायदा उसको सुनते हैं, 7 दिन की उसकी सुनवाई भी होती है। अब इनके पास कुछ था तो था ही नहीं, अगर होता तो बाकायदा कलेक्टर महोदय के सामने जाके हमारे खिलाफ ये लगाते और हो सकता था हमारा नाम रिजेक्ट हो जाता और हम चुनाव ही लड़ते। लेकिन हवाई मामले चल रहे थे और हवाई मामले का जवाब तो आवाम ने दे दिया। अब मैं तो उनको शुभकामनाएं दूंगा जिन लोगों ने ऐसी हालत की है। 25 साल से ये सिलसिला चल रहा है। इस दफ़ा ये ज़रूर महसूस हुआ कि जो है वो वक्फ से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ को लेकर के एक जागरूकता पैदा हुई और ये जो मुंसिपल कोटे के इलेक्शन होते हैं इसमें लोगों ने दिलचस्पी ली और वोट डालने की अहमियत के हदीस को समझा। मैं समझता हूँ कि अगर राजस्थान के मुसलमान वक्फ प्रॉपर्टीज़ पर ध्यान दें तो उनके लिए एक तरक्की का बहुत बड़ा जीना है, ख़जाना है, जिससे बहुत बड़ा काम लिया जा सकता है। हम इंशाल्लाह उम्मीद रखेंगे कि नया बोर्ड जो बने वो इन प्रॉपर्टीज़ की हिफाजत करे, इसके डेवलपमेंट के लिए काम करे और राजस्थान के मुसलमानों के साथ कॉपरेट करे, ना कि उनके जज्बात से खेले। शुक्रिया। मोहम्मद अतीक, मारवाड़ मुस्लिम एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी, मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी। जी सर, बताइए वक्फ बोर्ड का जो चुनाव हो रहा है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? एक आज चुनाव है जी, और यही चाहेंगे अच्छे लोग जीत के आए हैं और वक्फ के हक में अच्छा फैसला करने वाले, अच्छे काम करने वाले लोग आए, जल्दी से बोर्ड बने और राजस्थान की जितनी भी वक्फ की संपत्तियां हैं उनकी देखरेख हो, उनकी हिफाजत हो, यही हमारी इच्छा है और हम इसी में आगे चल के सहयोग करने वाले हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम मुश्ताक खान है, पूर्व प्रधान चाकसू और अभी